अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, और हिजवाम शुरकोट कैंट रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं, और मकसद सिर्फ एक ही है, पाकिस्तान रेलवेज़ को प्रमोट करना, और इंशाल्लाह ये काम हम करते रहेंगे। तो विज़िट कराते हैं आपको, और बिल्डिंग विज़िट भी कराते हैं आपको इस रेलवे स्टेशन का, और इंशाल्लाह आज ट्रैवल भी करना है। ये देखें दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एयरफोर्स के हथियारों के मॉडल, क्योंकि शुरकोट कैंट रेलवे स्टेशन इसी पहचान से पहचाना जाता है। दोस्तों बहुत खूबसूरत हथियारों के साथ ही मेन एंट्रेंस है शुरकोट कैंट रेलवे स्टेशन की, और सामने आपको वेटिंग हॉल नज़र आ रहा है। तो चलते हैं वेटिंग हॉल में, अंदर से विज़िट कराते हैं आपको। तो दोस्तों अभी इंटर होंगे हम मेन बिल्डिंग में शुरकोट कैंट रेलवे स्टेशन की, और मेन बिल्डिंग के बाद ही आपको बुकिंग ऑफिस नज़र आ रहा है एयर जमीर कंपनी का, क्योंकि यहाँ से रावी एक्सप्रेस चलती है लाहौर के लिए। और ये पुरसकून वेटिंग हॉल शुरकोट कैंट रेलवे स्टेशन का, और लेफ्ट साइड पर बुकिंग ऑफिस और टिकट घर जो इस वक्त बंद है। दोस्तों प्लेटफॉर्म पर दाखिल होते ही आपको बहुत ग्रीनरी नज़र आएगी, और बहुत बड़े बड़े से दरख्त आपको नज़र आएंगे पीपल के, जिन्होंने बहुत ज़्यादा छांव की हुई है इस रेलवे स्टेशन पर, और बहुत पुरसकून माहौल किया हुआ है इतनी गर्मी में। और साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर एक नज़र आ रहा है आपको, ये सामने आपको प्लेटफॉर्म नंबर एक पर ही फिल्टर प्लान नज़र आ रहा है, और उसके साथ ही ऐसे ऑफिस और दीगर दफ्तर मौजूद। तो इंशाल्लाह इस रेलवे स्टेशन का भी तफसीली और ब्लॉग करना था, और साथ में रेल फाइनिंग भी करनी थी, टाइम की शॉर्टेज की वजह से नहीं कर सके, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर करेंगे। बेसिकली आज हम ट्रैवल कर रहे हैं 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस में शुरकोट कैंट से हैदराबाद रेलवे स्टेशन तक, और एसी स्टैंडर्ड का ट्रैवल है हमारा 46 में। ये जी NLC का लोकोमोटिव फिर ट्रेन को लेकर आ रहा है खानेवाल जंक्शन से, और यार्ड में आते ही नौचप स्टार्ट किया है शुरकोट कैंट के, और पास हो रहा है स्लो स्पीड में शुरकोट कैंट रेलवे स्टेशन से। ये मिक्स फिर ट्रेन है, कुछ ऑयल कंटेनर और कुछ कंटेनर। दोस्तों अनाउंसमेंट सुन रहे हैं आप, 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर एक पर अप्रोच बना रही है। दोस्तों देखें, जैसे अनाउंसमेंट हुई है पाकिस्तान एक्सप्रेस की, तो स्टेशन पे काफ़ी चहलकदमी शुरू हो गई है। इससे पहले आप वीडियो में देख चुके हैं कितना सुकून वाला रेलवे स्टेशन लग रहा था, लेकिन देख लें सवारियाँ बहुत हैं इस रेलवे स्टेशन की भी। कराकरम एक्सप्रेस यकीनन यहाँ रुकनी चाहिए, मेरा तो एक ख्वाब है। बहरहाल देखते हैं पाकिस्तान रेलवे क्या करता है इस बारे में। ये GU 4090 लेकर आ रहा है 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस को फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से, और इसने कराची रेलवे स्टेशन तक लीड करना है इसको। अराइवल हो गया 46 का, और चल के अपनी कोच में सवार होते हैं, क्योंकि 5 मिनट करीब स्टॉप है ट्रेन का।
और बाकी का सफ़र जारी रखते हैं। डिपार्चर रिसीव कर लिए शोलकोट कैंट रेलवे स्टेशन से 46 डाउन ने। ये आहिस्ता आहिस्ता शोलकोट कैंट रेलवे स्टेशन के यार्ड को छोड़ना शुरू कर दिया 46 डाउन ने, और तकरीबन 10 मिनट करीब डिले, 3:10 हो गए। दोस्तों शोलकोट कैंट रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद ज़बरदस्त पकड़ लिए 040 ने, और तकरीबन 110 किलोमीटर की रफ्तार से तिलखाना रेलवे स्टेशन को पास कर रही है हमारी ट्रेन और बढ़ रही है खानेवाल जंक्शन की जानेब। ट्रेन हमारी आ गई अब्दुल लकीम रेलवे स्टेशन के यार्ड में। बिल्कुल टाउन साइड के बोर्ड पर आकर खड़ी हुई हमारी ट्रेन अब्दुल लकीम रेलवे स्टेशन के, और तकरीबन 2 मिनट के करीब स्टॉप है यहाँ का 46 का। डिपार्चर विसिल किए हैं अब्दुल लकीम रेलवे स्टेशन से 46 डाउन ने, लेकिन मूव नहीं हुई अभी तक। सेकेंड डिपार्चर विसिल के साथ अब मूव होना शुरू हुई 46 डाउन। दोस्तों ट्रेन आ गई हमारी खानेवाल रेलवे स्टेशन के यार्ड में, और तकरीबन 5 मिनट के करीब स्टॉप है यहाँ पर ट्रेन का, और हमने चाय मंगा ली है। हम चाय एंजॉय करते हैं उसके बाद वापस आते हैं और सफ़र अपन जारी रखते हैं। GU40 9020 के साथ वन ऑफ केबल मेल मौजूद है खानेवाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 पर, ट्रेन 7 नंबर प्लेटफार्म पर प्लेस हो रही है खानेवाल जंक्शन के। दोस्तों ज़बरदस्त नचअप किया हुआ है GU40 ने, और एक अच्छी स्पीड में बैठ रहा है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन की जानेब। गर्मी बहुत है।
जी मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर आकर रुक गई है 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस और तकरीबन राइट टाइम चल रही है, तकरीबन 1 से 2 मिनट करीब लेट, 10 मिनट डिले निकली थी शोलकोट कैंट रेलवे स्टेशन से और राइट टाइम आकर खड़ी हो गई मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर और 20 मिनट के करीब रुकेगी यहाँ पर और फिर रवाना होगी अपनी मंजिल की जानिब। डिपार्चर वेसल कर दिए 46 डाउन ने मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन से। आहिस्ता आहिस्ता मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन को यार्ड को छोड़ रही है पाकिस्तान एक्सप्रेस। अब तक राइट टाइम चल रही है हमारी ट्रेन और इंशाल्लाह इस तरह राइट टाइम चलती रहेगी अगर कोई टेक्निकल इशू ना आया तो। कितने खूबसूरत बकरे नज़र आ रहे हैं आपको स्टेशन पर और उसी के साथ बहुत खूबसूरत रेलवे स्टेशन है भावलपुर रेलवे स्टेशन का। एक किला नुमा बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है अपनी स्क्रीन पर। दोस्तों ट्रेन हमारी पहुंच गई भावलपुर रेलवे स्टेशन पर और अब तक राइट टाइम चल रही है। बहुत खूबसूरत रेलवे स्टेशन पर आकर रुकी हमारी ट्रेन और रात में तो इस रेलवे स्टेशन का मंज़र ही कुछ और होता है, वो आप अभी देख लें अपनी स्क्रीन पर। दोस्तों तकरीबन 15 मिनट रुकने के बाद भावलपुर रेलवे स्टेशन पर 46 अब डिपार्ट कर रही है यहाँ से। अंधेरा हो गया है, फिल्मिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ट्रेन हमारी बढ़ रही है खानपुर रेलवे स्टेशन की जानिब और अंधेरा काफ़ी हो चुका है तो फिल्मिंग करना काफ़ी मुश्किल है।
तो जैसे ही कोई रोशनी का स्पॉट मिलता है तो वहाँ से फिल्मिंग जारी करते हैं। अभी नींद काफ़ी आई है, थोड़ी नींद पूरी करते हैं और फिर सफ़र हमारा जारी है। दोस्तों सुबह के 4:40 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन दौड़ रही है चंडवादम और सरदारपुर के दरमियान। तकरीबन 50 मिनट करीब डिले हो चुकी है हमारी ट्रेन, जिसकी सबसे बड़ी वजह आगे हमारे चल रही है 26 डाउन और वो हमारे आगे तकरीबन पावरपुर से ही लगी हुई है और इसने हमारी ट्रेन को राइट टाइम से देख लें 50 मिनट करीब डिले कर दिया और कहीं क्रॉस भी नहीं बनाया किसी भी डिवीज़न में। अब देखते हैं काशी डिवीज़न में जाकर क्रॉस बनता है या नहीं बनता। हमारी ट्रेन कुछ ही देर में पहुंच रही है डंडवादम रेलवे स्टेशन पर। सुबह के 6 बज रहे हैं और मौसम देखिए कितना खूबसूरत है, सुबह सुबह का मंजर। और ट्रेन आगे हमारी खड़ी हो गई है डेढ़ा रेलवे स्टेशन पर। 26 ने बहुत जलील किया हमारी ट्रेन को और अभी तक करती जा रही है, तकरीबन 1 घंटे करीब लेट कर आ चुकी है 46 डाउन को। सर ट्रेन हमारी आ गई है हैदराबाद रेलवे स्टेशन यार्ड में। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा व्लॉग आपको पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करें। तकरीबन 6:15 का अराइवल हो गया हमारी ट्रेन का हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर और 1 घंटे के लिए ट्रेन ने अप्रोच बनाई हैदराबाद स्टेशन पर। चलो फिर मुलाकात होगी।